दोस्तों कैंसर एक बेहद खतरनाक बीमारी है और एक कैंसर के मरीज को जानलेवा दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आपने कैंसर के मरीजों को देखा होगा तो आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की एक फोटो जरूर देखी होगी जिसमें उनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कैंसर के मरीजों के सिर के बाल क्यों काट दिए जाते हैं। चलिए आपको इसके पीछे का असली कारण बताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज भी काफी महंगा होता है और साथ ही इसमें कई दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है। कैंसर मरीजों को दर्द से राहत दिलाने के लिए कई तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं और साथ ही दवाइयां भी दी जाती हैं। लेकिन ये जो दवाइयां और इंजेक्शन मरीज को दिए जाते हैं इनका उनके शरीर पर साइड इफेक्ट होता है जिसका असर उनके बालों पर पड़ता है और उनके बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर की सेल को नष्ट किया जाता है लेकिन इस थेरेपी में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है इससे बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके बाल काटे जाते हैं। साथ ही बाल झड़ने की समस्या को कम करने के लिए स्कैल्प कूलिंग का प्रयोग किया जाता है और इसमें बालों को पूरी तरह से काट दिया जाता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैंसर मरीजों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं। दोस्तों ईजी और आईई इन दोनों को आपने कई वेबसाइट स्पेशली विकीपीडिया पर कई बार पढ़ा या देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका फुल फॉर्म क्या है और इंग्लिश में इनका क्या मतलब होता है? दोस्तों इन दोनों को लैटिन भाषा से लिया गया है और इनका इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। आईई का लैटिन में मतलब होता है इडेस्ट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज, और इसे हिंदी में अर्थात कहा जाता है, जबकि ईजी का लैटिन में मतलब एग्जाम्पली ग्रातिया होता है, इसका हिंदी में मतलब उदाहरणार्थ होता है, जिसे इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आईई और ईजी का क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।